वॉरियर्स ने आज जीत पहले टॉस जीत के जो है गेंदबाजी का फैसला किया है। काफ़ी ओस है ग्राउंड पे, तो बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं फवाद जो पहली बॉल लेके आएंगे इस ओवर की, इस मैच की। फवाद रनअप के लिए तैयार। थोड़ी लंबी बॉल थी और ऑफ साइड पे गिरी, उसको बैट्समैन ने देखा और जाने दिया। बॉडी से थोड़ी बाहर, सीधी विकेट कीपर के हाथ में और कोई रन नहीं। अगली बॉल एक छोटी लेंथ की बॉल, बैट्समैन ने सीधे बल्ले से खेला और सीधा जो बाइल को ड्राइव कर दिया बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं। अगली बॉल, इस बार फुल टॉस थी, बॉल पर थोड़ी आंखें नहीं थी इसलिए सीधा जो है फील्डर है मिड विकेट उसके हाथ में खेला, कोई रन नहीं। थोड़ी बातचीत होती हुई शायद ग्लव से निकालने की। फील्डिंग में जो अनुज है वो ग्लव्स पहने हुए थे। अगली बॉल थोड़ी बाहर थी बॉल, थोड़ी दिशा में बॉल नहीं डाला था और इसको एम्पायर ने वाइड करार दे दिया। सो पहला रन है जो डाइवल्स का वो वाइड से आया, सो एक रन पे डाइवल्स ने अपना खाता खोला। अगली बॉल फवाद तैयार। एक लंबी बॉल, उसको ड्राइव कर दिया पॉइंट की तरफ से, वहाँ पे पॉइंट के फील्डर जो प्रिया दर्शन है उन्होंने फील्ड किया और कोई रन नहीं मिलेगा, एक रन मिला। थोड़ी स्लो फील्डिंग वहाँ पे, दो रन हो चुके हैं पहले ओवर में। ओह काफ़ी अच्छी बॉल, गुड लेंथ पे एक बॉल गिरी और सीधा जाके बल्ले को कूनी को लगी। आखिरी बॉल इस ओवर की, एक और छोटी लेंथ की बॉल, बैट्समैन पूरी तरह बीट हुए और विकेट कीपर भी बीट हुए इस बार। काफ़ी अच्छा ओवर। जहीद रनअप के लिए तैयार, पहली बॉल फेंकेंगे वरुण को। ओह काफ़ी सीधी बॉल, उसको ढीले हाथों से खेल दिया, जो पॉइंट जो मिडाउन पे फील्डर खड़ा उसने फील्ड किया और बॉल जो है बॉलर के हाथ में। अगली बॉल, इस बार थोड़ी छोटी बॉल थी, आंखें नहीं थी बैट्समैन की बॉल पे और उससे बीट हुए, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और छोटी लेंथ की बॉल, आउट हो सकते हैं, रन आउट और जे सीधा थ्रो आउट, पहला रन आउट हसन के द्वारा। काफ़ी बढ़िया फील्डिंग, सो पहला विकेट गिर चुका है टाइवल्स का। अगले बैट्समैन क्रीज के पे वॉक कर रहे हैं वो है मुस्तफ़ा होंगे अगले बैट्समैन। जहीद ने पहला ब्रेक तो दिलाया। अगली बॉल लेके वरुण को तैयार। काफ़ी ही गुड लेंथ पे बॉल गिरा था, उसको उठा के लगाना चाहते थे, आंखें नहीं थी बॉल पे और बीट हुए, कोई रन नहीं मिलेगा।
अगली बॉल काफ़ी गुड लेंथ पे बॉल गिरा, गेंद बीट किया बैट्समैन को, कोई रन नहीं मिलेगा इस पे भी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए जाहिद, काफ़ी पेस है इनकी बॉल में। अगली बॉल लेके तैयार, एक बहुत बढ़िया बॉल और बैट्समैन बीट हुए और सीधा किनारा लगा और विकेट कीपर ने अच्छा कैच लिया वहां पे और दूसरा विकेट इस ओवर का गिरा, इस ओवर में गिरा डाइवल्स का। डाइवल्स परेशानी में अभी और डीप मिड विकेट। अगली बॉल फवाद तो मुस्तफ़ा, दिशा नहीं सही थी बॉल की और उसे अंपायर ने वाइड करार दिया। अगली बात फवाद टू मुस्तफा, सीधी बॉल थी उसे लाइन पे आए, आगे आगे खेल दिया बॉल को, जो कवर में फील्डर खड़ा उसने फील्ड किया। एक अच्छा डिफेंस इस बार। अगली बॉल फवाद टू मुस्तफा, एक अच्छी बैटिंग जहां पे मुस्तफ़ा के द्वारा, बॉल की लाइन में आ रहे हैं और उसे अभी डिफेंस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी टीम परेशानी में। फवाद टू मुस्तफ़ा, काफी छोटी लेंथ की बॉल थी जे उसे पॉइंट में मार दिया, वहां पे फील्डर खड़ा उसके हाथ में, कोई स्कोर नहीं मिलेगा। फवाद टू मुस्तफ़ा, अगली बॉल काफी गुड लेंथ पे बॉल गिरा और उसे लाइन में आए, आगे आके खेला, कोई रन नहीं मिलेगा, उसे डिफेंस कर दिया इस बॉल को। अगली बार काफी लंबी बॉल उसे बैक फुट पे जाके सीधा पॉइंट के फील्डर की तरफ खेल दिया, वहां पे फील्डर ने फील्ड किया, कोई स्कोर नहीं मिलेगा। आखिरी बॉल इस ओवर की, तीसरा ओवर की समाप्ति पर आखिरी बॉल फवाद टू मुस्तफ़ा, थोड़ी इस बार दिशा सही नहीं थी बॉल की, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। फवाद टू मुस्तफ़ा, इस बार थोड़ी आँख ही नहीं थी बॉल पे, कवर के ऊपर से लगाना चाहते थे पर बल्ले का किनारा लगा और मिड ऑन, डीप मिड ऑन के विकेट फील्डर ने इसको फील्ड किया एक रन के लिए। जाहिद टू मुस्तफ़ा, काफ़ी छोटी लेंथ की बॉल उसे आगे आगे डिफेंड कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अगली बॉल जाहिद टू मुस्तफ़ा, एक और बहुत ही छोटी लेंथ की बॉल इस बार फिर आगे आए और उसको डिफेंड कर दिया, एक और डॉट बॉल, काफ़ी अच्छी बॉलिंग जाहिद के द्वारा। अगली बॉल और एक बार एस अगेन, छोटी लेंथ की बॉल, काफ़ी छोटा रख रहे हैं बॉल को इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही है बैट्समैन को अब पावर प्ले में खेलने के लिए क्योंकि उनको इधर थोड़ा रिस्क लेना होगा अगर सुपर शॉट लगाना चाहते हैं तो। एक और बहुत बढ़िया बॉल सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथ में, अभी तक कोई रन नहीं आया है इस ओवर में। अगली बॉल सीधा बल्ले से खेल दिया और थोड़ी
गति नहीं थी बॉल में और थोड़ी स्विंग नहीं थी बैट में, इसलिए बॉल बाउंड्री से क्लियर नहीं हुआ, एक रन ही मिलेगा। अश्विन है फील्डर जहां पे लॉन्ग ऑफ पे, रितेश यूपी बैट्समैन काफी बैकफुट पे गए और काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा डिफेंस, काफी टेक्निकल खेलते हैं। अनुज लेके आएंगे अगली बॉल टू मुस्तफा, थोड़ी गति नहीं थी बॉल में, उसे हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया, वहां पे एक रन और कोई रन नहीं मिलेगा। अगली बॉल अनुज टू मुस्तफा, बैक फुट पे गए, सीधा स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और वहाँ पे फील्डर उन्होंने फील्ड किया स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच खेला हुआ शॉट। रितेश काफ़ी टेक्निकल बैटिंग करते हैं, अनुज को फेस करेंगे वो, इस बार शॉर्ट पिट बॉल को उठा के लगा दिया स्क्वायर लेग के फील्डर ने, अच्छी फील्डिंग की, वहां पे चार रन बचाए वॉरियर के लिए, अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट था वो, थोड़ी खराब गेंदबाजी कहेंगे क्योंकि फुल टॉस बॉल थी। मुस्तफा अनुज टू मुस्तफा, बैक फुट पे गए और ड्राइव लगा दिया कवर के बीच से, लगाना चाहते थे पर वहाँ पे जो फील्डर हैं, दो फील्डर लगाए हुए हैं वहाँ पे कवर पे, शॉर्ट कवर एंड थोड़ा डीप शॉर्ट कवर। अनुज की अगली बॉल सीधे बल्ले से खेल दिया, कैच था जो ड्रॉप हो अनुज से, सीधा स्ट्रेट खेल दिया था मुस्तफा ने और एक जीवनदान डबल, काफी निराश कैच होना चाहिए था और एक बार सीधा आए और खेलना चाहते थे, उठा के लगाना चाहते थे स्ट्रेट की ओर, बट मिस हुए, लाइन नहीं पढ़ पाए और पूरी तरह बीट हुए इस बॉल पे। छवां ओवर फवाद करेंगे, पहली बॉल रितेश होंगे बैट्समैन, काफ़ी छोटी गति, छोटी लेंथ की बॉल फेंकी इस बार और बैट्समैन ने फ्रंट फुट पे आगे इसको खेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। काफ़ी धैर्य बना के खेल रहे हैं डाइवल्स के प्लेयर, दो विकेट गिर चुकी है, एक गतिहीन दिशालेस बॉल, एक वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलेगा इससे डाइवल्स को, स्कोर काफ़ी धीमी गति से बन रहे हैं, सो वाइडर से थोड़ा प्रेशर जो है कम होगा। अगली बॉल ये सही लेंथ की बॉल, सही दिशा की बॉल, फ्रंट फुट पे आए और ढीले बल्ले से खेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा इस स्थिति। अगली बॉल काफ़ी छोटी लंथ की बॉल, उसको डिफेंड कर दिया, बॉल के ऊपर आकर खेला, तो काफ़ी अच्छा डिफेंस यहाँ पे रितेश द्वारा, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। फवाद टू रितेश, थोड़ी लंबी बॉल थी, उसको कवर में खेल दिया और कवर की फील्ड में अच्छी डाइव लगा के उसको फील्ड किया, एक रन ही मिलेगा, अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग में परिवर्तन, अगेन जो डीप स्क्वायर लग गया उसको ऊपर बुला लिया गया और जो मिड ऑफ का फील्डर है उसको पीछे भेज दिया गया है। मुस्तफा करेंगे फेस वाद को, अगली बार वाद मुस्तफा
और ये दिशाहीन गेंद थी, उसे उठाकर लगा दिया और बॉल का किनारा लगा और सीधा हवा में। आखिरी बॉल इस ओवर की रितेश करेंगे फेस। अच्छी लंथ की बॉल, उसे डिफेंड कर दिया और कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे फेंस। Come on.
Yeah.
Oh!
Yeah!
बढ़िया बढ़िया गुड बॉल यार।